जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों कल आपसे वादा किया गया था कि जो पुराना सेगमेंट है हमारा कि आप लोगों के साथ मुलाकात वो दोबारा इंशाल्लाह शुरू किया जाए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों से गपशप रहे, इंटरेक्शन रहे और सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है। अरसलान प्रोया भाई अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद डोगर, मुदस्सर डोगर साहब, फैज़ान शेख साहब भाईजन क्या हाल है, बदर मुनीर भाई अस्सलाम वालेकुम, सोनू अहमद भाई क्या हाल है जी, मियां गफूर साहब क्या हाल है मेरे भाई का, ठीक है, मोहम्मद जाहिद भाई, नदीम भाई क्या हाल है आपके, जाहिद भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं। बार खान साहेब थैंक यू, सोनू जी, अब्दुल गफूर मियाँ साहब, बदर मुनीर भाई शुक्रिया, अनवर अली भाई, सफदर अली भाई, मोहम्मद जाहिद भाई, इकराम तूर साहब वालेकुम सलाम, मंजर साहब वालेकुम सलाम, कमरुज़मान आज़म अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बट बादशाह साहब क्या हाल है आपके, ठीक है मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो, वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासिन भाई अस्सलाम वालेकुम, बट बादशाह साहब खैर हो आपकी, शुक्रिया भाईजान। अच्छा दोस्तों पहले तो सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं, सब खैर वाफियत से हैं। हम सर लड़का अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम भजन क्या हाल है आपके, ठीक हैं सब दोस्त, ठीक है, क्योंकि मैं अंदर गायब रहा हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी अर्सी गायब रहा हूँ, 4-5 महीने गायब रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, बस मसरूफियात ही ऐसी चल रही थी, क्या करें। अब ये दोबारा मैंने सेगमेंट शुरू किया है आप दोस्तों की फरमाइश पे, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस कॉल्स बहुत ज़्यादा आती थी, मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतलिक दरियाफ्त करना चाहते थे, तो मैंने कहा दोबारा बेहतर है कि फर्दन मैसेजेस के जवाब देने से। जी मलिक मुदस्सर साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मदन भाई क्या हाल है मेरे भाई का, ठीक है सब खैरियत है। तो दोस्तों कल का जो मैंने सेगमेंट रखा था वो था बीमारियों के मुतालिक, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है और गले का बहुत संगीन किस्म का मसला चल रहा है, तो आप लोगों के मैसेजेस थे तो मैंने इसलिए कल का सेगमेंट रखा, और आज का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा हट के रखा है बीमारियों से, क्योंकि एक जनरल सा टॉपिक है, बहुत डिस्कशन इसके ऊपर हो चुकी है, लेकिन दोस्तों कभी भी इलम के दरवाज़े जो हैं वो बंद नहीं होते, ना बंद करने चाहिए। जो दोस्त इस बात को समझ बैठते हैं कि भाई अब हरफ़े आखिर हो गया, हमने इलम हासिल कर लिया, वो स्टॉप कर देते हैं, तो वो मैं तो समझता हूँ उसे मौत है। तो कबूतर परवरी और कबूतरबाजी की जो है ना वो इसका इलम दिन ब दिन हर रोज़ आए रोज़ मुख्तलिफ़ परिंदों के साथ नया परिंदा देखे तो, या फिर जो पुराने परिंदे देखे उनसे देखे, किसी उस्ताद के देखे, मतलब किसी चैम्पियन कबूतर देखे, तो ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा फेल है, हर नया कबूतर एक नया दर्श देता है। लेकिन दोस्तों मैं आज एक ज़ाती सा तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि नीचे के जी उस्ताद बाबा भट्टी क्या हाल है जी, भट्टी साहब वालेकुम सलाम क्या हाल है आपके, वकार भाई तो आजकल गायब है, आप आ गए आज कैसे हैं। तो मैं ना एक ज़ाती सा तजर्बा आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वसी बाबा लाहौरी वालेकुम सलाम, ज़फ़ीर हुसैन अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी, मोहम्मद जाहिद भाई ज़ाती सा तजर्बा हासिल करना चाहता हूँ और आज आपसे भी राय लूँगा। दोस्तों कबूतर की जो परवाज होती है वो कैसे चेक की जाती है, आज सिर्फ यही पॉइंट रखूँगा कि जो कबूतर की परवाज है वो कैसे चेक की जा सकती है कि यार इस कबूतर के अंदर बड़ी परवाज है, तो आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं। मलक अली भाई अगर तो आप टीचर रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे होंगे, 2 साल से अभी तक यही समझ नहीं पाए कि अच्छा कबूतर कैसा होता है। मलक अली साहब यही तो बात मैंने की है
बाबा भट्टी साहब मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। एक बात याद रख रहा हूँ, मैंने पहले दिन ही एक चीज़ कही थी, हम बात करते हैं थ्योरी पे, प्रैक्टिकल और चीज़ होती है। प्रैक्टिकल और थ्योरी जब दोनों मिलती हैं तो एक नया इलम जन्म लेता है, नई रिसर्च। एक चीज़ आपको बताऊं कि साइंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक दरियाफ्त करना और एक ईजाद करना। जो दरियाफ्त होती है, पहले से मौजूद चीज़ को हमने तलाश करना होता है, वो दरियाफ्त है। और जो ईजाद करनी होती है भाई सी, वो खुद प्रैक्टिकल करके थ्योरियाँ पढ़ पढ़ के सर खपा के फिर मिलता है। इतने लोग जो बैठे हुए हैं मेरे साथ, चले भाई मेरे ने, ये मलक अली साहब हैं कोई, क्या नाम है इनका, एक मिनट, हाँ जी मलक अली साहब ही हैं। इन्होंने कहा कि आप अच्छे टीचर नहीं रहेंगे, चले इनके जवाब को ही लेते हैं। तो भाई मुझे ज़रा मलक अली साहब आप ही बता दें, कबूतर की जो परवाज़ होती है उसका कौन सा पॉइंट होता है, किस पॉइंट से हमें पता चलता है कि कबूतर के अंदर बहुत ज़्यादा परवाज़ है। वकास अहमद भाई वालेकुम सलाम, महताब खान साहब वालेकुम सलाम, वसीम बाबा, परों को शेप तलवार टाइप हो उसमें भी ज़्यादा परवाज़ है, ना परों की परवाज़ की बात, परों का काम तो उड़ना है, उड़ाना है, परवाज़ मौजूद कहाँ होती है, जहाँ से उसका एक्चुअल सेंट्रल फिगर जिसे कहते हैं, जहाँ से वो पॉइंट कबूतर लेके अपनी परवाज़ को चलता है। अब एक बात सीधी सी है, सारे कहते हैं तलवार पर वाले नहीं उड़ते, उड़ते हैं, खंजर पर वाले नहीं उड़ते, उड़ते हैं, तीर पर वाले नहीं उड़ते, उड़ते हैं, सीधे पर वाले नहीं उड़ते, उड़ते हैं, ये कैटेगराइज हैं भाई। और एक बात याद रखिएगा, जो दोस्त ये कहते हैं ना कि परों के अंदर परवाज है, उसके लिए एक बात जहन में रख लीजिएगा, परवाज ठीक है, मान लेता हूँ परवाज में मुआवनत देते हैं, मदद करते हैं कबूतर, लेकिन एक बात बताएं, उन परों को चलाने वाली भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए कि नहीं चलाने वाली होनी चाहिए। जी बट बादशाह साहब ठीक है, कबूतर ही हड्डी जितनी चुभेगी उतनी परवाज होगी, वड़ाए गुजरा वाला नदीम भाई, परवाज पर जी, परवाज पर तारक चौधरी साहब, जोहेब शाहिद साहब, दैट्स इट। आम सा लड़का नदीम भाई, मैंने 3 दिन पहले कबूतरों को जेंटल दिया, कबूतर मुसलसल, आपने खुद ही जवाब दे दिया, बड़े भाई परों का बना के आगे समझने वाले समझ जाए। यही तो बात है विकास भाई, समझने वाले समझाने नहीं। अभी एक हमारा नाकद भी अंदर मौजूद है जिसका नाम मलक अली है, मलक अली मेरी बातें सुन रहे हो तो रिप्लाई ज़रूर करना। अब देखें एक बात याद रख लीजिएगा, हर ब्लड लाइन का तलवार पर नहीं होता, हर ब्लड लाइन का तीर पर नहीं होता, हर ब्लड लाइन का चाकू पर नहीं होता, जिसे हम चरग पर कहते, हर ब्लड लाइन का चरग पर नहीं होता। अब अगर हम बात करें चरग पर की, पहले तो ये ढूंढें कि उसकी बुनियाद कौन सा कबूतर था, ठीक है, किन कबूतरों में ये पर पाए जाते हैं। अब फर्ज कर ले सियालकोटी कबूतर मेरे हाथ में हो, तो उसमें मैं चरग पर तलाश करूं, क्या ये मुमकिन है, जवाब दीजिएगा कुछ दोस्त। सैम अमान साहब रिंग पे फिर किसी दिन बात करते हैं, परवाज कबूतर के मूड पे होती है भाईजान, अगर कबूतर का मूड ही इतना अच्छा होता है तो फिर हम मेडिसिन क्यों देते हैं, तो फिर हम क्यों उसे मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात देते हैं, ये बताएं मुझे। ऐसे नहीं होता, परवाज का एक पॉइंट होता है। और वही हरफे आखिर होता है दोस्तों, हर रंग उड़ती है, हर तरह का पर उड़ता है, ये पक्की बात है। मैंने सीधे परों वाले कबूतर भी शाम तक बैठते देखे हैं, मैंने चाकू पर वाले कबूतर बेस्ट माने जाते हैं उनको भी शाम तक बैठते देखे हैं, और चाकू पर वाले कबूतर मैंने ठप्पल भी देखे हैं जो सुबह 8 बजे गर्मी में बैठ जाते, वो भी देखे हैं। यहाँ पे ना मैं एक प्रैक्टिकल है, बड़ा अच्छी तरह याद है मुझे, अगर कोई हाफजाबाद से कोई दोस्त है तो
क्योंकि मेरा ताल्लुक हाफजाबाद से है। हमारा ना वहाँ पे एक भाई अदरीस साहब हैं, पीर भाई हैं मेरे, मियाँ राव साहब के शागिर्द हैं। उनके पास ना मुल्ला उमर एक कबूतर उड़ा और उसने तारीख साज परवाजें दी हैं उस कबूतर ने। शाम शाम की परवाजें जेठ के अंदर दी हैं, जेठ के ही वो चैम्पियन कबूतर है। और उसके बड़े गंदे मंदे पर थे, उसके गंदे मंदे पर थे, अच्छे परों का मालिक नहीं था, लेकिन फिर भी शाम तक की परवाजें देता है। अगर पर ही इतना फैक्टर परवाज वाला हो तो उस कबूतर को तो सुबह 5 बजे उड़ा तो 6 बजे बैठ जाना चाहिए, जिस तरह उसके पर मैंने देखे हुए अपनी ज़िंदगी। और इसके अलावा नॉर्मल परों वाले कबूतर भी मैंने ऐसे देखे हैं जो जो है ना वो शाम तक उड़ते हैं। भाई मेडिसिन से ही उसका मूड चेंज करते हैं ताकि सुबह जांदी झंडी पे, झंडी पे ही ना बैठ जाए। नहीं मेरा भाई, जो नस्ल में असल होते हैं ना वो ऐसे नहीं करते, ये बात जेहन में रख लीजिएगा। जो अपनी नस्लों में ठीक हो ना कबूतर, वो ठीक होते हैं। और मलिक अली साहब ज़रा मेरे पॉइंट के ऊपर आ जाए। अब आपने बड़े कमाल की बात की थी कि भाई आप अच्छे टीचर नहीं रहे। टीचर तो मैं अच्छे ही रहा हूँ अगर कभी रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कबूतर की, आज जो मैंने टॉपिक रखा है अच्छे कबूतर की शनाख्त और परख, और ये ना ख़त्म होने वाला टॉपिक, ये दोस्तों ना ख़त्म होने वाला टॉपिक क्या है, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इस पे जितनी बात की जाए उतनी ही जो है ना वो बात आगे बढ़ेगी। अब बात मैं आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ। देखो अली भाई, आपने ही मेडिसिन की बात की है, कबूतर की हड्डी खराब है, जोड़ खराब है, अच्छा नहीं है, कबूतर परेल नहीं है, कबूतर के अंदर रेशम पन नहीं है, ये एक पॉइंट के मुतालिक सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो कबूतर कभी भी शाम तक नहीं उड़ेगा, अच्छी परवाज नहीं देगा, पर जितने मर्जी अच्छी लगा लो, जितने मर्जी अच्छे लगा लो, कबूतर शाम तक की परवाजें तब देगा अगर उसका जिस्म अच्छा होगा। अब जिस्म के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, जी मलक कैसर सलीम साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छे जिसके पर अच्छे नहीं हैं उन परों की मैं बात कर रहा हूँ, शाम तक उड़ जाते हैं। और वही, लेकिन उनके पीछे फैक्टर क्या होता है भाई, उनकी हड्डी होती है, जिस्म जिसे कहते हैं। कबूतर के परवाज का जो पॉइंट है वो जिस्म है, जो मर्जी कर लो उसका जिस्म है, पर हल्के भी होंगे कबूतर शाम तक उड़ जाएगा। अब एक बात और जहन में रखिएगा, जिंदगी में कभी भी देखो, कबूतरबाज हैं हम लोग, कबूतरबाजी करनी है, कबूतर परवरी भी कबूतरबाजी के लिए की जाती है। एक बात याद रख लीजिएगा कि जिस कबूतर का जिस्म अच्छा नहीं है, वो कबूतर जिस्म से ही पता चलता है ये ठप्पल है। और जिस्म से ही पता चलता है ठप्पल है, जिस्म से ही पता चलता है कि ये कबूतर ब्रीडर है, 110% ये बात कर रहा हूँ। कोई मेरी बात से इतफाक करे या ना करे, कोई मेरी बात को माने या ना माने, एक बात याद रख लीजिएगा, कबूतर के जिस्म में ही उसकी परवाज मौजूद होती है। बाकी जो और परवाज जिस्म, जिस्म अब किसे कह रहा हूँ, जो उसका स्ट्रक्चर है हड्डी और उसके नीचे वाला, परवाज कबूतर के ऊपर वाले हिस्से में नहीं होती, कमर में नहीं होती, नीचे वाले हिस्से में होती है, जो उसका पेट होता है जिसे हम हड्डी कहते हैं। जी बिल्कुल मलक कैसर साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं वो स्ट्रक्चर होता क्या है, वो जिस्म होता है। और एक बात याद रख लीजिएगा, हर एक ब्लड लाइन की हड्डी और जिस्म एक जैसा कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा एक बात याद रख लीजिएगा। अब मैं जो आप लोगों से बातें कर रहा हूँ अपने ज़ाती तजर्बा, कोई ऐसा बड़ा उस्ताद पाकिस्तान का नहीं छोड़ा जिसके पास नहीं बैठा। मैं इंटरव्यू करने जाऊँ तो मेरा 5 घंटे पक्के होते हैं। अब वो 5 घंटे 2 घंटे पहले डिस्कशन होती है और उसके बाद इंटरव्यू के अंदर डिस्कशन होती है। मैंने शौक भी करना होता है, खुद भी देखने होते हैं कबूतर, आप लोगों को भी दिखाने होते हैं। तो आज की जो मेरा लाइव है, उस लाइव का लुब्बे लबाब या सेंट्रल फिगर
जिसे मैं कहूँगा वो ये है दोस्तों कि कबूतर के जिस्म के अंदर परवाज होती है। मैंने कई असाध्या कराम से इस बारे में सवाल करने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं था मिला। बहुत कम असाध्या कराम इस बारे में जवाब दे सके, जिनको पता था वो गोल कर गए। तो ये बात जहन में रख लीजिएगा, कबूतर के जिस्म के अंदर परवाज होती है। अब जिस्म कौन सा है? वो नीचे वाला हिस्सा होता है जी, मकसूद जट साहब, वालेकुम सलाम। और वो हड्डी होती है, हड्डी की बनावट हमें बता रही होती है कि कबूतर के अंदर कितनी परवाज है। एक बात याद रख लीजिएगा, जो कबूतर रेशम होगा वो अच्छी हड्डी का मालिक होगा तो वो रेशम होगा, वरना रेशम नहीं होगा। वही कबूतर परवाज वाला होगा जिसमें रेशम और उसका स्ट्रक्चर जिसे हम हड्डी कहते हैं मौजूद होगी तो कबूतर परवाजी होगा, वरना नहीं होगा। आप जब सवाल करें शिकारी से तो उनका जवाब देने दिया करें, आप खामोश रहा करें। तनवीर सिद्दीकी साहब, इंटरव्यू मैं कर रहा होता हूँ इसलिए मैंने बारहा आप लोगों को ये कहा है, मेरा इंटरव्यू करने का तरीका दूसरों से मुख्तलिफ है। और मुझे पसंद क्यों करते हैं आप लोग? मेरे सवालों की वजह से। एक बात जहन में रख लें, मैं अगर किसी से सवाल चना कर रहा हूँ और वो जवाब गंदम दे रहा होगा तो मैं उसको टोकूंगा। जब मैं इंटरव्यू के दौरान किसी को इंटरप्ट करता हूँ तो इस वजह से करता हूँ क्योंकि मुझे जो मेरा सवाल होता है उसका जवाब नहीं मिल रहा होता, और मैं किसी हद तक तैयार होके जाता हूँ जब भी कोई इंटरव्यू करना होता है। चले मेरे टॉपिक से हट गई है ये बात, तो मैं ये आपको बता दूँ कि जब मैंने इंटरव्यू करके जाना होता है मैं जहनी तौर पे, मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके जाता हूँ। मुझे पता होता है मैंने किस उस्ताद से कौन सा सवाल करना होता है और जिस उस्ताद की जो स्पेशलिटी होती है उसी के ऊपर मैंने सवाल भी करना होता है। तो इसलिए जब मैंने को बोल रहा होता है, अगर सवाल टर्न कर रहा हो तो मैंने उसे इंटरप्ट करना होता है ताकि वो अपने सवाल के ऊपर आ जाए। आपने गौर किया होगा जब मैं एक सवाल करता हूँ तो सवाल का पीछा नहीं छोड़ता जब तक मुझे उसका जवाब नहीं मिल जाता। और जो मैं आज का टॉपिक मैंने आज रखा है कि कबूतर के जिस्म के अंदर परवाज है, बहुत कम असाध्या कराम ने ये बात बताई है। सारे बात करते हैं आंखों की रिंग की बात कर रहे होते हैं, दुम की बात कर रहे होते हैं, परों की बात कर रहे होते हैं, परेल की बात कर रहे होते हैं, शोल्डर की बात कर रहे होते हैं, कोई ये नहीं बताता कबूतर के जिस्म के अंदर परवाज किस पॉइंट के ऊपर होती है। और वो उसका पॉइंट जिस्म होता है जिसे हम हड्डी कहते हैं, बेहतरीन हड्डी। कभी आप लोगों ने, जब मैं सवाल करता हूँ, कभी आप लोगों ने पूछा, कभी किसी ने पूछा कि ये पर आप खोल के देख रहे हो तो इसमें देखा क्या है आपने? देखा जी, सारे कहते हैं कश्ती नुमा हड्डी होनी चाहिए। कभी आप लोगों ने पूछा कि ये कश्ती नुमा हड्डी होनी क्यों चाहिए? असाध्या कराम जो कहते हैं इन आंखों के अंदर रिंग होने चाहिए, अब भाई रिंग क्यों होने चाहिए, क्या वजूहत है, क्या फैक्टर्स हैं, ये सवालात होते हैं। दुम सारे कहते हैं बंद होनी, क्यों दुम बंद होनी चाहिए, क्या फैक्टर है उसका? बगल बड़ी होनी चाहिए, सबको पता है, लेकिन क्यों बड़ी होनी चाहिए ये कभी किसी ने बताया? बगल बड़ी कैसे बनाते हैं, जोड़ा लगाते हैं, अगर बगल बड़ी करनी हो तो कैसे पता चलता है? मलक अली साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, मलक अली साहब अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। कभी किसी से पूछा कि हड्डी, सारे कहते हैं कश्ती नुमा हड्डी होनी चाहिए, कश्ती नुमा हड्डी क्यों होनी चाहिए, कैसे बनाते हैं, कभी बताया किसी ने? जोड़, सारे कहते हैं जोड़ ऐसा होना चाहिए, कैसा जोड़ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कभी किसी ने बताया जोड़ का काम क्या है? जरा पूछ के देखिएगा अपने असाध्या कराम से कि जोड़ होता क्या है। सब कहते हैं ना जोड़ ऐसा होना चाहिए, जोड़ वैसा होना, क्यों जोड़ ऐसा वैसा होना चाहिए, पलक बारीक और क्यों बारीक होनी चाहिए? ये वो सवाल आता है जिनका जवाब मुझे नहीं मिलता और मैं इसीलिए सवाल करता हूँ। आज का टॉपिक सिर्फ यही था। और अगला टॉपिक, आज मैंने जो सवाल आप लोगों से उठाया ना कि भाई ये जिंदगी में कभी ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है, कबूतर परवरी, कबूतर परवरी कभी भी ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है। जो एक जगह पर खड़ा हो गया वो फारिग हो गया। कबूतर चलाने के लिए कबूतर दाएं बाएं से आते हैं तो कबूतर चलते हैं, वरना कबूतर नहीं चलते। कबूतरों के अंदर अपने कबूतर डालने पड़ते हैं, और वो कैसे डालोगे भाई? किसी से जब जब किसी से कबूतर लेने जाओगे तो उसे कहोगे पहले कि मुझे इन्हें आसमान में छोड़ के दिखाओ, फिर मैं ये कबूतर लूँगा? कभी ऐसा नहीं होगा। तो भाइयों ये पॉइंट ही होते हैं कबूतर की, हमारी कॉमन सेंस ही होती है जो कबूतर बना देती है, ठीक है। तो मियां नज़ीर साहब
बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कबूतर बनाए, लेकिन जब कबूतर बन गए, हर चीज़ बन गई, सब कुछ हो गया, फिर छतों पे छोड़ के देखे तो रिजल्ट फिर भी शानदार था। तो इसलिए पॉइंट कबूतर की नस्ल। अब मुझे ये बताएं, कैसे पता चलता है कबूतर की नस्ल क्या है? कभी किसी ने पूछा किसी से कि कबूतर की नस्ल का कैसे पता चलता है? बताइएगा मुझे, यही पॉइंट बता दे, कबूतर की नस्ल का कैसे पता चलता है? सारे कहते हैं ना ये लाइन और ये ब्लड है। भाई अच्छी नस्ल का कैसे पता चलेगा जब हमें पता ही नहीं है किस नस्ल से है? किसी से भी खरीदने जाते हो जब कबूतर, किसी से भी, हम किसी भी छत पे चले जाते हैं, वहां से जब हम कबूतर परचेज करते हैं, तो कैसे पता चलेगा हमें ये किस नस्ल का है? किसी को नहीं पता होगा, बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। क्या चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि इस कबूतर की नस्ल ये है, ये चला यहां से है? तो ये कबूतर जब हाथ में आता है ना, स्वाद उसी वक्त होता है। तो आज का मलक अली साहब, ये आपके सवाल का पहला जो आपने जवाब कहा था ना कि ये 2 सालों से आपको पता ही नहीं चला, सब पता है लेकिन मुझे जवाब नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं जवाब। तो इसलिए मेरा भाई, जब मैं आज वैसे मूड में था, आपने मेरा मूड खराब किया मलिक साहब, कि आज मेरे पूरे पॉइंट डिस्कस करने थे इस परवाज वाले, आज कोई और पॉइंट डिस्कस नहीं करना था, लेकिन आपने जब शुरू में कहा, अक्सर लोग कहते हैं यार ये अच्छा कबूतर आपको समझ ही नहीं आई। भाई मुझे समझ है, आप लोगों के लिए करता हूँ ये सब कुछ, ठीक है, इसलिए करता हूँ कि ताकि आप लोग कहीं कहीं से भी कबूतर लो, मुझसे लो, किसी और से लो, तो कम से कम जो आप चीज़ जिस चीज़ के पैसे दे रहे हो उसको पता तो चले आप लोगों को, ये हम किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि किस नस्ल से है, बहुत कम लोग जानते हैं। अब मेरा सेल से भी ताल्लुक है, मैं बेचता भी हूँ कबूतर, लेकिन बता के बेचता हूँ भाई इसमें ये फॉल्ट है, ये खामी है, ये खूबी है, ये जो कुछ है वो ये सामने है, लेकिन उसमें कम लोग जानते हैं कि इसकी नस्ल क्या है। तो नस्ल जिस दिन अच्छे कबूतर की शनाख्त, सबसे पहली सीढ़ी जो ऐसे करके कबूतर की शनाख्त में ऊपर कदम रखना होता है ना, वो पहला पॉइंट होता है कबूतर की नस्ल के बारे में जानना। बाकी तो पॉइंट जो दूसरे हैं वो बड़े आगे चले जाते हैं। जब हमें नस्ल की नहीं पता होगा था, मेरे हाथ में कबूतर हो फर्ज कर लो कमगर, और खूबियां मैं ढूंढता फिर चूहों वाली, फर्ज कर ले मेरे हाथ में कबूतर हो बटेरा, उस बटेरे कबूतर में मैं खूबियां ढूंढूं टैडियों की, तो ये मुमकिन नहीं है। पता होनी चाहिए जो टैडी कबूतर है उसका पर कैसा है, चूहे कबूतर का पर कैसा है, चूहे कबूतर का रंग कैसा है, चूहे कबूतर की आंख कैसी, चूहे कबूतर की चूंच कैसी, या टैडी कबूतर की दुम कैसी। टैडी कबूतर, अब एक बात याद रख लीजिएगा, कबूतर की दुम चेंज हो जाए तो वो नस्ली तब्दील हो जाती है। टैडी कबूतर की जिस तरह की दुम है उस तरह की होनी चाहिए, तब्दीली आ जाती है। ये कबूतर जो कबूतर परवरी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक पानी की मानिंद है। इसमें नमक डालोगे तो नमकीन होगा, मिर्च डालोगे तो मिर्च वाला होगा, चीनी डालोगे तो चीनी वाला होगा, शरबत बनाओगे तो शरबत बनेगा। ये आपके अपने हाथ में होता है, आपके अपने बस में है कि कबूतर को किस तरह का आपने बनाना है। और जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमने कबूतर को बनाना कैसे है, हमारी सोच क्या है, हम तो ही हमें पता चलेगा ना कि हमने बना क्या रहे हैं। भाई बड़े लोग, क्योंकि मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, मैं भी सेल करता हूँ, पहले नहीं था करता लेकिन अब करता हूँ कुछ वजूहत की बिना पर, लेकिन साथ में तकलीफ ये भी होती है यार, कुछ लोगों को, ऐसे लोग भी अंदर है, जब अगर 100 कबूतर खरीदने वाला आता है ना, तो उसमें से 95 लोगों को पता नहीं होता पूरे कबूतर का, यार ये फलाने के घर का है, ये फलाने के घर का है, ये फलाने के घर का, इसी के ऊपर सारा कुछ चल रहा होता है। मैंने ये सेगमेंट अब शुरू किया है, मलिक अली साहब आप भी अब मेरे साथ रोज़ाना रात को 9 बजे शामिल हुआ करें, मैं भी इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे अब आप लोगों के साथ इन टच में रहूँगा, ठीक है। कल हम दोबारा इसी पॉइंट को, आज थोड़ा सा टॉपिक से मैं हट गया था, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक था कि कबूतर के जिस्म के अंदर परवाज का पॉइंट कौन सा है, कौन सी परवाज कहाँ से पता चलती है, ये हमने डिस्कस करना था। मैं आपके मैसेज ले लेता हूँ।
तनवीर भाई आप जब सवाल करते हैं शिकारी से तो उनका हो गया। आसिफ जमाल भाई एग्जैक्टली, मियाँ आदिल भाई एब्सोल्युटली राइट, मकसूद जट साहब बेहतरीन जी, वालेकुम सलाम मकसूद भाई, मलक अली बिल्कुल ऐसा ही है कि हर एक नस्ल का जिस्म फर्क होता है। चलो शुक्र है मान तो गए। जी अमरजान साहब, मलिक कैसर साहब, हड्डी होती है मेन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अच्छा जी मलवाई कबूतर, तुसी सीरियस लाया गए हो कबूतर बारे गल करो। अच्छा जी अली रजा भाई, भाई नहीं बताना तो ना बताओ। सलाम नदीम भाई, क्या हाल है। अच्छा कल इस टॉपिक को पूरा करूंगा यार। आज वाकई फील कर गया था मैं। उस्ताद जी येलो पलक, येलो पलक मगरों की होती है भाई और किसी नस्ल की नहीं होती। इफ्तिखार अली शाह साहब, ये सब धोखा है कबूतरबाजी में, कोई धोखा नहीं इफ्तिखार भाई। और ये कतर वाले के करीब ना जाना, ये दोस्तों ये जो कतर वाले मैसेज करते हैं ना, ये फ्रॉडी हैं, कोई दोस्त इनके करीब ना जाइएगा। येलो पलक मलवाई भाई कमगर कबूतरों की होती है, ठीक है, और उन्हीं कबूतरों में आएगी जिनमें कमगर शामिल होगा। ऑफ वाइट, और क्या बात है पीली पलक की। मियाँ वाजिद अली भाई, रफीक गुजर साहब, थैंक यू अली अदर भाई, ये इलम की बातें हैं, जिसके पास हो वो भी बता सकता है। बिल्कुल जी, और ला जी मोहम्मद शकील अंजम, ये भी फ्राडिया है भाई, कोई दोस्त इनके करीब भी ना जाए यार। ये जो कतर वाले मैसेज करते हैं ना, ये फ्रॉड करते हैं दोस्तों के साथ, बच के रहिएगा इनसे। अच्छा दोस्तों अब दीजिएगा इजाज़त, फी अमान अल्लाह हाफिज़। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। कल रात को 9 बजे दोबारा हमारा जो टॉपिक है, इसी टॉपिक के ऊपर, ये कम अज़ कम 3 दिन का टॉपिक है, मैं कल से इंशाल्लाह प्रॉपर 1 घंटे का आपके साथ डिस्कशन करूँगा इस बारे में। कल रात 9 बजे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। टॉपिक क्या होगा कि कबूतर के जिस्म के अंदर परवाज़ का पॉइंट कौन सा है, ये डिस्कस करेंगे। अब दीजिएगा इजाज़त, फी अमान अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और दोस्तों जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वह सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नहीं आने वाली वीडियो मिलती रहे। टैडी कबूतर की पलक नीली नहीं होती मलवाई कबूतर, पलकों के ऊपर इंशाल्लाह जल्दी टॉपिक रखूंगा, बताऊंगा किस नस्ल की पलक किस तरह की है।